हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये इस डिज़ाइन का पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चले शुरू करते हैं हम पार्ट टू डिज़ाइन। पार्ट वन में हमने राउंड 12 तक कंप्लीट किया था, तो अब हम 13 नंबर के राउंड से 13 नंबर के राउंड से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें एक स्टिच आगे ले जाना है धागे को स्लिप नॉट के साथ, और उसके बाद तीन चैन बनानी है, और आगे वाली जो दूसरी नंबर की चैन है उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, और ये जो तीसरे नंबर की चैन है उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया। तीन चैन, दो हाफ डबल क्रोशिया, इन तीनों को एक साथ मिला देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आगे वाली चार स्टिच में एक एक करके चार डबल क्रोशिया बनानी है। ये दूसरा, इसके बाद तीसरा डबल क्रोशिया, और ये चौथा डबल क्रोशिया। तो हमने चार डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए हैं। लास्ट वाली एक स्टिच को छोड़ देंगे, फिर एक चैन, फिर जो आगे वाला पैटर्न है उसमें एक डबल क्रोशिया, बीच वाली स्टिच में दो डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही दूसरा वाला डबल क्रोशिया, और जो तीसरी स्टिच है उसमें आपको एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमने चार बना डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन, आगे वाली पहली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, दो नंबर के स्टिच में दो डबल क्रोशिया, मतलब एक ही स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, और जो तीसरे वाली स्टिच है उसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन। इसी तरह से आपको तीन पैटर्न बनाने हैं, चार डबल क्रोशिया, एक चैन, चार डबल क्रोशिया, एक चैन, और फिर यहाँ पर चार डबल क्रोशिया, दूसरी स्टिच में दो डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में एक। तो हमने यहाँ पे पहले तीन पैटर्न बनाए, अब देखिए दो तीन, जो चैन की संख्या है यहाँ पे हमें बनानी है दो, एक नहीं दो चैन बनानी है, और फिर सेम उसी तरह से तीन पैटर्न बनाने हैं, चार चार डबल क्रोशिया वाले, एक दूसरे में दो, इसके बाद तीसरी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, पहले तीन पैटर्न के बीच में एक एक चैन बनेगी, और तीन पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे दो चैन बनेगी, और फिर आगे वाला पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से आपको तीन तीन पैटर्न के तीन पैटर्न बन जाएंगे, टोटल नौ पैटर्न, और नौ पैटर्न के बीच में दो बार हम दो दो चैन की खिड़कियाँ बनाएंगे बड़ी वाली। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है, यहाँ पर पहले वाली स्टिच छोड़ के दो नंबर की स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद आगे वाली स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं। तो हमें यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, पहली एक स्टिच जो छोड़ दी हमने, फिर आगे वाली चार में चार। अब इसके बाद ये जो तीन चैन हैं उन तीन चैन में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहली चैन में हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे में भी आधा, और ये तीसरी चैन में भी आधा डबल क्रोशिया बनाना है, और इन तीनों डबल क्रोशिया को एक साथ मिलाना है। इसके बाद आगे वाली चार स्टिच में फिर से हमें एक एक करके चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये चौथा। लास्ट वाली एक स्टिच को छोड़ देना है एक चैन बना के, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको देखिए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। चार पैटर्न है, उसी तरह से आपको इनको बना देना है। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद वाला 14 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। पहले आप धागे को एक स्टिच आगे ले लो, फिर वहाँ से तीन चैन बना लो, और आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, और उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो शुरुआत हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया से बनाई है, पर टोटल पाँच बनने वाले हैं। तो आगे वाली दो स्टिच छोड़ के आपको यहाँ पे चार चैन बनानी है, और ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है उस पर एक डबल क्रोशिया से जोड़िए, और फिर आगे वाले एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाइए। तो पूरे यहाँ पे आपको चार ही डबल क्रोशिया बनाने, एक चैन, फिर आगे वाले पैटर्न में एक एक करके चार डबल क्रोशिया, उन चार डबल क्रोशिया के ऊपर सेम चार डबल क्रोशिया बनाने हैं आपको, फिर एक चैन, फिर आगे वाले में उसी तरह से चार डबल क्रोशिया,
तीन पैटर्न बना दिए हमने चार चार डबल क्रोशिया की, एक दो तीन। अब यहाँ पे आपको चैन की संख्या है एक से फिर से बढ़ानी है यहाँ पे, तो एक दो तीन चैन बनाई है हमने। फिर आगे वाले चार चार डबल क्रोशिया के तीन पैटर्न सेम बनाने हैं। पहले आप चार डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लो, उसके बाद एक चैन बना लो, फिर आगे वाले चार डबल क्रोशिया। इस तरह से तीन पैटर्न बना दिए, फिर आपको यहाँ पे तीन चैन, फिर तीन पैटर्न। अब चार चैन बनानी है लास्ट में, और ये पहले दो स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में आपको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर चौथे में डबल क्रोशिया, फिर इन पांच नंबर में डबल क्रोशिया, और फिर इस तरह से आपको पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं इस पैटर्न के ऊपर। फिर लास्ट वाले दो छोड़ के चार चैन बनानी है, और फिर इन चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया से जोड़ना है। जैसे हमने शुरुआत में बनाया था इस राउंड के, उसी तरह से आपको आगे पैटर्न को कंटिन्यू कर लेना है। ये देखिएगा, यहाँ तक आपने बना लिया होगा, और लास्ट में भी हमने जोड़ा है इसको। पहले तीन बनाए थे और फिर दो बना दिए, तो पांच बन गए। अब शुरुआत करेंगे 15 नंबर के राउंड की। आपको यहाँ पे सात चैन बनानी है, तीन चैन डबल क्रोशिया की और दो चैन एक्स्ट्रा, तो टोटल सात चैन मैंने बनाई है, और आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दूंगी, तो एक त्रिकोण जैसा या लूप जैसा बन जाएगा। फिर आपको तीन चैन बनानी है, और आगे वाला जो ये पैटर्न है डबल क्रोशिया वाली स्टिच, उसके ऊपर छोड़ देना है डबल क्रोशिया के साथ। फिर आगे वाली स्टिच में और एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, और चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, तीन चैन चार डबल क्रोशिया। अब एक चैन इन चार डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया, एक, ये दो, फिर ये तीन, इसके बाद ये चौथा, फिर एक चैन। इन तीन पैटर्न के ऊपर सेम आपको उसी तरह से बनाना है, चार चार डबल क्रोशिया। चेंज कहाँ करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने तीन चैन बनाई थी तीन पैटर्न के बाद ये वाली, तो यहाँ पे चेंज होगा। पहले एक चैन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, ये बीच वाली तीन दो नंबर की चैन है उसमें, इस तरह से। इसके बाद मैंने यहाँ पे चार चैन बनाए, एक दो तीन चार, और उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशिया बनाया, तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रायंगल बना दिया। ये देखिए, यह लूप जैसे हमने पहले बनाया। फिर एक चैन चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ जो तीन चैन बनाई है हमने उसके ऊपर ही आपको ये ट्रायंगल या लूप वाला पैटर्न बनाना है। बाकी डिज़ाइन को सेम ही फॉलो करना है जैसे हमने पहले वाले राउंड में किए हैं। तो ये चार के ऊपर चार, फिर एक चैन, फिर आगे चार डबल क्रोशिया के ऊपर आपको चार डबल क्रोशिया ही बनानी है। यहाँ तक तो पैटर्न सेम है, एक चैन। चेंज कहाँ है, यहाँ पे जो तीन नंबर की चैन है, ये तीन चैन हमने जो बनाई है उसके बीच वाली चैन में आप पहले जोड़ लो, फिर चार चैन बनाओ, फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया के साथ जोड़ो, तो एक ट्रायंगल बनेगा, फिर एक चैन, आखिर का पैटर्न कंटिन्यू उसी तरह से। तीन पैटर्न है हमारे चार चार डबल क्रोशिया के, बना लीजिएगा पहले। ये देखिए, दो पैटर्न यहाँ पे बन गए। अब तीसरा पैटर्न इसके ऊपर बनेगा। पहले आपको यहाँ पे तीन चैन बनानी, एक दो तीन, फिर डबल क्रोशिया के साथ जो तीसरा नंबर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इसको जोड़ देना है। फिर चार चैन बनानी है, एक दो तीन चार, और उसी पैटर्न में एक डबल क्रोशिया के साथ और जोड़ देना है। फिर तीन चैन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ना है। तो आप पैटर्न को तो समझ गए होंगे, इसी तरह से आपको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पे एक एक दो तीन, तीन तीन पैटर्न बनेंगे,
पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपको 16 नंबर का राउंड शुरू करना है। लूप के साथ राउंड शुरू करेंगे, मतलब लूप है जहाँ से वहाँ से, फिर 3 चेन बनाइएगा और 9 डबल क्रोशिया। टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया का पैटर्न है, पर 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया की तरह लेंगे। तो अपनी शुरुआत तो 3 राउंड की, मतलब हर राउंड की शुरुआत 3 चेन के साथ ही होती है, उसी को हम डबल क्रोशिया समझते हैं या मानते हैं। उसके बाद आपको 9 डबल क्रोशिया और बनानी है उसी 4 चेन के लूप में। ये देखिए टोटल 3 3 6 और 1 9 और 1 10, तो हमारी 10 डबल क्रोशिया हो गई है। फिर 2 चेन बनाइएगा और इसको जोड़ना कहाँ है वो ध्यान से देखिए। जोड़ेंगे हम इस वाली स्टिच पे, ठीक है, पहले की 3 छोड़ दी, चौथे नंबर वाली स्टिच पे जोड़ देंगे। और उसके बाद ये जो एक चैन का खिड़की था उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और आगे वाले में 1, तो 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और फिर ये तीसरी। 4 डबल क्रोशिया वाले 2 पैटर्न बन गए, फिर 2 चैन और आपको फिर ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था उस पर आपको 10 डबल क्रोशिया के साथ पैटर्न बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे और फिर उसी में ही आपको पूरे 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं एक एक करके। ये देखिएगा 2 10 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन और फिर इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, पहले 3 स्टिच छोड़ के चौथे नंबर की स्टिच में, और खिड़की के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और फिर आगे वाले पैटर्न की पहली स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया। ये 2 ही पैटर्न बनेंगे 4 4 डबल क्रोशिया के, पहली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और 10 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे, जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे भी 10 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन, सेम इसी तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। ये देखिए 1 2 फिर ये, फिर 3 यहाँ पे और फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया आएगा। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। 16 नंबर का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब 17 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे 5 चैन के साथ, फिर आपको ट्रिपल क्रोशिया के साथ जोड़ना है आगे वाली स्टिच में। ये देखिए ऐसे ट्रिपल क्रोशिया में लूप के ऊपर 2 धागे लेते हैं, 2 राउंड, फिर 1 चैन, फिर 2 राउंड लीजिएगा, फिर आगे वाली स्टिच से 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चैन, फिर आगे वाली स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको हर एक स्टिच में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है, फिर 1 चैन, फिर 2 राउंड का 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो 10 स्टिच है, 10 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिएगा 1 चैन, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया, हर एक स्टिच में एक एक ही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। हर ट्रिपल क्रोशिया के बाद आपको 1 चैन बनानी है। टोटल हमारे यहाँ पे 10 बन गए। अब हम जो 1 चैन और इसको जोड़ेंगे, ये वाली स्टिच है, मतलब पहले 2 छोड़ के तीसरे नंबर में, 1, ये 2 और ये जो 2 चैन हमने बनाई थी उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद आगे वाली 2 स्टिच में 1 और ये 2, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाने हैं। इसके बाद 2 चैन और सॉरी 1 चैन और फिर ट्रिपल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है हमें आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर 1 चैन, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो एक एक करके आपको 10 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। हर स्टिच में एक एक ही ट्रिपल क्रोशिया होगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 10 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 चैन बनाइएगा,
इसको डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। पहले दो स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर में हमें डबल क्रोशा के साथ इसको जोड़ देना है। एक, ये दो, फिर इस खिड़की में हमें तीन डबल क्रोशा बनाने हैं और उसके बाद एक दो तीसरा डबल क्रोशा और उसके बाद आगे वाली दो स्टिच में दो डबल क्रोशिया। इस तरह से आपने यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनाए। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है और 17 नंबर के राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इसको लास्ट में जोड़ना कहाँ है वो देखिएगा। तो आपको ये हमने पांच चैन बनाई थी तो चार नंबर की चैन में अटैच कर देना है। इसके बाद आप तीन चैन बनाइएगा और फिर बीच में एक डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दो स्टिच के बीच में एक डबल क्रोशिया और उस स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपके पहले हमने 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, उन 10 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनेंगे और जो दोनों ट्रिपल क्रोशिया के बीच में जो चैन है पहले राउंड में जो बनाया था हमने वहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से आपके 19 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनने चाहिए। ये 19 डबल क्रोशिया आप बना लो, फिर लास्ट में एक चैन बना लो। अब इसको जोड़ना कहाँ है यहाँ पे, तो पहले दो स्टिच छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर से शुरुआत कीजिएगा, तीसरा, चौथा और पाँचवें नंबर के स्टिच में तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये देखिए। उसके बाद एक चैन और इसी तरह से आपको राउंड को कंप्लीट कर लेना है। सिंपल सा राउंड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वाले राउंड में। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम 19 नंबर का राउंड। यहाँ तक तो आपने बना लिया। हर राउंड की शुरुआत आपको तीन चैन और इसके बाद इस राउंड में और दो चैन लेनी है। तो पांच चैन शुरुआत में बना दी, एक स्टिच छोड़ के दो नंबर की स्टिच में इसको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ा, फिर दो चैन एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ा, फिर दो चैन एक दो, फिर आगे वाले में इसको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ा। इस तरह से आपको चार खिड़कियाँ बनानी है पहले दो दो चैन की, ये देखिएगा चार टाइम बना दी हमने। अब पांचवें नंबर में आपको तीन चैन बनानी है, दो नहीं, एक एक्स्ट्रा ऐड करनी है, पर नीचे से आपको एक ही स्टिच छोड़नी है और आगे वाले में अटैच कर देना है, फिर डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो चार हमने शुरुआत में बनाए, पाँचवें नंबर की स्टिच में हमने तीन चैन बनाई और उसके बाद चार सेम आपको दो दो चैन की खिड़कियाँ बनानी है। तो कुछ हमारी यहाँ पे नौ खिड़कियाँ बन गई है। अब एक चैन बना दीजिएगा और इसको जोड़ना कहाँ है वो देखिए। पहले और एक चैन, दो चैन बना के बीच वाला जो स्टिच है दो नंबर का उसमें जोड़ के, फिर दो चैन पहले वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, उसके बाद दो चैन और, फिर एक छोड़ के आगे वाली स्टिच में। तो हल्की सी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ पे आपको बनाती जानी है। पैटर्न सिंपल है, पहले आप चार खिड़कियाँ सेम बना लो दो दो चैन की और सिर्फ पांचवें नंबर की जो खिड़की है उसको आपको तीन चैन वाली बनानी है, ये देखिए तीन चैन और फिर एक स्टिच छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। फिर चार खिड़कियाँ और बनानी है आपको यहाँ पे, एक और दो चैन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। पूरी चार खिड़कियाँ यहाँ पे बना लीजिएगा। ये पैटर्न ख़त्म होने के बाद दो चैन और बीच वाली स्टिच में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, फिर दो चैन और पैटर्न को कंटिन्यू करना है। इस तरह से आपको ये राउंड 19 नंबर का इसे भी पूरा कर लेना है। अब शुरुआत करेंगे हम 20 नंबर के राउंड की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, तो शुरुआत में तीन चैन बनाई है पहली खिड़की में ही, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया आधा, फिर और एक ट्रिपल क्रोशिया। तो पहले पैटर्न में तो तीन चैन और दो हाफ ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद पांच चैन बनाइएगा, फिर दो राउंड हुक के ऊपर एक खिड़की छोड़ के आगे वाली खिड़की में तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं आधे आधे, ये दूसरा,
फिर दो राउंड लेंगे हुक के ऊपर, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे। इसके बाद पांच चैन और, अब यहाँ पे आपको जो पाँच तीन चैन वाली खिड़की है उसमें एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर पांच चैन, बेसिकली आप लूप बनाना है आपको, ये देखिए, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न बनेगा, एक दो और ये तीसरा। इसके बाद पांच चैन और बना दीजिएगा, फिर ट्रिपल क्रोशिया के साथ इसको जोड़िए एक खिड़की छोड़ के आगे वाली खिड़की में, तीन हाफ ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं आपको, ये दूसरा और ये तीसरे नंबर का, फिर इन तीनों को एक साथ मिला देना है। इसके बाद फिर पांच चैन, तीन हाफ ट्रिपल क्रोशिया लास्ट वाली खिड़की में, ये दूसरा और इसी में ही तीसरा। अब यहाँ पे आपको ये एक पैटर्न बन गया, एक पांच, ये और एक लूप और इस साइड से दो। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट आगे वाले में जोड़ना है, कोई चैन नहीं बनानी, दो राउंड ले लीजिएगा और इस पे ट्रिपल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दीजिए। सेम तीन हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए, ये देखिए, दो पैटर्न को इस तरह से जोड़ना है फिर एक साथ मिला के, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। फिर पांच चैन, उसके बाद एक छोड़ के आगे वाले में तीन ट्रिपल क्रोशिया, एक, ये दो और ये तीसरी, इन तीनों को मिला लीजिएगा। फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, फिर एक लूप, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर पांच चैन, फिर उसी में ही और एक ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद पांच चैन और फिर एक छोड़ के, जिस तरह से हमने इस साइड से पैटर्न बनाया उसी तरह से आपको दूसरे साइड से पैटर्न बनाना है। यहाँ तक हमारी डिज़ाइन पहुँच गई है, सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए, पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद लास्ट वाला लेयर जो है 21 नंबर का, उसको शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ पे जो पांच चैन है उन पे पांच सिंगल क्रोशिया बना लो, ये देखिए पांच सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर आगे वाली चैन के ऊपर सेम उसी तरह से पांच सिंगल क्रोशिया बना लीजिएगा, ये देखिए पांच यहाँ पे, पांच यहाँ पे। अब ये जो लूप है इसमें आपको बनाने हैं डबल क्रोशिया, तो पहले पांच डबल क्रोशिया बना लो, दो, ये तीन, फिर ये चार और ये पांच, पांच डबल क्रोशिया के बाद दो चैन बनानी है आपको, एक और दो, और फिर यहाँ से एक स्लिप नॉट लगा के फिर उसी लूप में और पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक, ये दो, तीन, चार और ये पांच, इस तरह से। फिर आपको आगे वाली जो पांच चैन का लूप है उस पर पांच सिंगल क्रोशिया बना लो, पहले चार और ये पांच, फिर आगे वाले में पांच सिंगल क्रोशिया, यहाँ तो एक पैटर्न बन गया। अब डायरेक्ट आगे वाले पैटर्न पे पांच सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, और जिस तरह से मैंने इस साइड पैटर्न बताया है उसी तरह से आपको दूसरी साइड से भी बनाना है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस एक आउटलाइन बनानी है आपको, और इसी साथ हमारी ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो रही है। तो आप बनाइए, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने बना दी है तो मेरे साथ वीडियो या फ़ोटो शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी उलन और उसकी साइज़ कितना लगा है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे दी है, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक कीजिए, पार्ट वन की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।